किसी भी विषय पर कभी साथ ना नजर आने वाले भारत और पाकिस्तान आज फिर एक साथ खड़े हो गए हैं। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। मामला इतना बड़ा हो गया कि संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया और इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने वाला देश था पाकिस्तान। अपने धर्म पर आचाई तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र पहुंच गया और जब विषय पर वोटिंग हुई तो भारत ने भी उसका साथ दिया। हालांकि भारत का ये साथ उसके लिए नहीं था, बल्कि भारत में और दुनिया भर में रह रहे मुसलमानों के लिए था। पूरे विश्व में स्वीडन में कुरान जलाने की घटना पर चर्चा की जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान पवित्र कुरान जलाने की घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में धार्मिक घृणा से जुड़ा एक प्रस्ताव लाया था। ड्राफ्ट प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई। खास बात है कि भारत ने भी पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का यूएन में समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की ओर से बताया गया कि 57 इस्लामिक देशों ने संगठन OIC की ओर से पाकिस्तान में मसौदा प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कुछ यूरोपीय और अन्य देशों में पवित्र कुरान के साथ कई गलत घटनाओं की निंदा की गई थी। UNHRC में पेश किए गए इस प्रस्ताव पर कुल 47 देशों में से 12 देशों ने विरोध किया। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी, रोमानिया, लिथुआनिया, कोस्टारिका और फिनलैंड भी शामिल हैं। जबकि भारत और चीन समेत कुल 28 देशों ने पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन किया। 7 देश ऐसे भी थे जिन्होंने किसी का भी समर्थन नहीं किया। इन देशों में नेपाल भी शामिल है। UNHRC में प्रस्ताव पर बहस के दौरान मुस्लिम देशों का कहना था कि कुरान जलाने जैसी घटनाएं नफरत को बढ़ाने का काम करती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ऐसी घटनाओं को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वहीं पश्चिमी देशों ने इस तरह की घटनाओं की निंदा जरूर की, लेकिन तर्क देते हुए कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब कभी भी असहनीय विचारों को सहना भी होता है। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के लिए कई देशों ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर अपना समर्थन दिया है। यूएन में पाकिस्तान को मिले 28 देशों के भारी समर्थन को पाकिस्तानी अखबार ने भी छापा। इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखा। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका के स्थायी प्रतिनिधि मिशेल टेलर ने कहा कि अमेरिका की चिंताओं को गंभीरता के साथ नहीं लिया गया। उनका मानना था कि खुली चर्चा पर अगर वक्त दिया जाता तो इसको लेकर कोई न कोई रास्ता ढूंढ लिया जाता। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और धार्मिक भावनाओं को चोट के बीच में किसी एक पक्ष को चुनने की जब बारी आई तो भारत ने ये माना कि अपने स्वतंत्र भाव को प्रकट करने की आड़ में किसी धर्म की भावनाओं को आहत करना तर्कपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन प्रश्न तो ये है कि भारत तो हर धर्म की भावना का समान रूप से सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान खुद क्यों दूसरे धर्मों को कुचलने पर लगा रहता है? आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।